गाइस मैं हूं अभी जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर। तो आप सोच रहे होंगे यहां इतना भीड़ क्यों है, क्या चल रहा है। तो गाइस मैं आपको बता दूं, यहां ही नहीं आज भारत के कई रेलवे स्टेशनों पर यही माहौल है। दरअसल आज 6 अगस्त 2023 को अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसमें भारत के 1300 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास और आधुनिकरण किया जाना है, उसमें से आज 508 स्टेशनों का शिलान्यास होने वाला है। बोले तो आज से ही पुनर्विकास का काम शुरू कर दिया जाएगा। इस लिस्ट में हमारा बिहार राज्य के जहानाबाद रेलवे स्टेशन का भी नाम है। तो इसी संबंध में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। इस प्रोग्राम में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेल मंत्री तथा तमाम नेताओं और मंत्रियों की उपस्थिति में शिलान्यास करने वाले हैं। नमस्कार, देश के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी, कार्यक्रम में देश के कोने कोने से जुड़े केंद्रीय मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, विभिन्न राज्यों के गवर्नर, मुख्यमंत्रीगण, राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री श्री, आज भारतीय रेल के इतिहास में भी एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। भारत के करीब 1300 प्रमुख रेलवे स्टेशन अब अमृत भारत रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित किए जाएंगे। उनका पुनर्विकास होगा, आधुनिकता के साथ होगा। इसमें से आज 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्निर्माण का काम शुरू हो रहा है और इन 508 अमृत भारत स्टेशन के नवनिर्माण पर करीब 25,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इन स्टेशन में देश की संस्कृति और स्थानीय विरासत की झलक दिखेगी। जैसे जयपुर रेलवे स्टेशन में हवा महल, आमेर फोर्ट जैसी राजस्थान की धरोहरों की झलक होगी। जम्मू कश्मीर का जम्मू तवी रेलवे स्टेशन प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से प्रेरित होगा। नागालैंड के दिमापुर स्टेशन पर वहां की 16 जनजातियों की लोकल वास्तुकला दिखाई देगी। हर अमृत स्टेशन शहर की आधुनिक आकांक्षाओं और प्राचीन विरासत का प्रतीक बनेगा। चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उत्थान भी होगा तो वो भी केवल मुंबई दिल्ली में होगा, कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा। भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकीकत होती थी, पर इस स्थिति को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। स्वयं बचपन में रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा, भारत के रेलवे स्टेशनों की काया पलट का। देश के 3 रेलवे स्टेशनों को बदलकर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ति दिखा चुके हैं। गांधीनगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापति स्टेशन और बेंगलुरु का सर एम विश्वेश्वरैया स्टेशन। इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास होने जा रहा है। देखिए इस नक्शे को, देश भर में आकांक्षाओं तक पहुंचेगी ये क्रांति। देख सकते हैं बिहार में 49 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, जिसमें 17 नंबर पर जहानाबाद भी लिस्टेड है। इसमें कहीं पटना दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप है। इस वजह से तो ये रहे 508 स्टेशनों का लिस्ट, जिसमें 24 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश शामिल है। इस योजना में सबसे पिछड़ा राज्य जो कि यूपी एंड बिहार है, उस पर विशेष ध्यान दिया गया है। यूपी में 55 एंड बिहार में 49 स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाएगा, जो कि एक ही राज्य में सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास के लिस्ट में टॉप पर है। एंड राजस्थान में भी 55 रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास किया जाना है, क्योंकि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। तो यहाँ 1-2 स्टेशन के पुनर्विकास करे से तो काम न चलने वाला है। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने अमृत काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अमृत भारत स्टेशन। भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक। सपना बड़ा तो फंड भी बड़ा। जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड़ का हुआ करता था, वो आज है 2,40,000 करोड़ का, जिसमें से 508 स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए दिए जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड़। सभी स्टेशनों में दोनों ओर सुनिश्चित की जाएगी कनेक्टिविटी। ये नए विकसित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। ये स्टेशन सिर्फ रेलवे की सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ये मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का भी हब होगा। यात्रियों की सुविधा और बेहतर मार्गदर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे। अमृत स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे। यहाँ होंगे भव्य रूफ प्लाजा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूड कोर्ट्स।
अमृत स्टेशन के जरिए ये सारी खुशियाएं और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी। प्रधानमंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमृत भारत स्टेशन। आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है। अमृत भारत स्टेशन, जय हिंद। तो 9 बजे से 11 बजे तक अमृत भारत योजना क्या है, इससे क्या लाभ होने वाले हैं, इसे रिलेटेड लगभग 10 मिनट का प्री रिकॉर्डेड वीडियो बार बार प्ले करके दिखाया जा रहा था, जिसको मैं आपको ऑलरेडी शॉर्ट में दिखा चुका हूं। फिर 11 बजे से नरेंद्र मोदी जी का लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होता है, जो कि लगभग 40 मिनट तक चलता है, जिसमें वो बोल रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी बनती है। और आप ध्यान दिए होंगे तो LED स्क्रीन के बगल में कैमरामैन भी खड़ा था, जिसके द्वारा हम सब बैठे लोगों का लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, ताकि हम सभी शामिल हुए लोगों का भी लाइव कॉन्फ्रेंस में दिखाया जा सके। और ये सब होता कैसे है, तो लाइव वीडियो एडिटिंग के जरिए मेरी जो भी जिम्मेवारी है उसको अवश्य पूर्ण करूंगा, इस संकल्प के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर लास्ट में शिलापट का अनावरण किया जाता है, अरे पर्दा हटाया जाता है, तो देख लीजिए क्या लिखा हुआ है शिलापट पर। ये गुब्बारा उड़ाकर ये हर्ष उल्लास जताया जा रहा है। आज के इस शुभ घड़ी में हम लोग तो कुछ बोल के कुछ बताने के लिए कुछ बचा नहीं है। भाइयों और बहनों, आप देख सकते हैं जहानाबाद के लोगों में खुशियों का माहौल छाया हुआ है, और यहाँ नेताओं और मंत्रियों से सवाल जवाब और दिलों की बात लेन देन की जा रही है। और यहाँ पर कुछ स्कूल की छात्राएं बोल रही थी, हम लोगों का सिंगिंग प्रोग्राम भी था, लेकिन अफसोस सारे जनता जो थे बैठे वो भाग गए ऐसे जैसे छोड़ आए हो घर पे पैसे। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, 15 अगस्त आ ही रहा है, तब कर लेना, तो दिखाओ हाथ में क्या है, इसका भी फोटो ले लेते हैं। और यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, इसके पीछे जाइए, मुंह घुसाइए, फोटो खिंचाइए। लेकिन ये भाई साहब यहाँ सेल्फी खिंचाने में मग्न है, तो हम बोले मेरा भी एक फोटो खींच दीजिए, तो ये खींच देते हैं ऐसा। फिर हमको करना पड़ जाता है ऐसा, छोड़िए हमको देख के कहा कीजिएगा, पीछे जो पोस्टर चिपका है उस पे देखिए क्या लिखा हुआ है, देशवासियों को 508 अमृत भारत स्टेशनों के पुनर्विकास का उपहार लेकर आया हूँ मैं नरेंद्र मोदी। 6 अगस्त 2023 को इसका शिलान्यास करने वाला हूँ, और अब मैं नरेंद्र मोदी मोड से बाहर निकलने वाला हूँ। और ये रहे मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड क्लासमेट सारा चीज, तो इनके साथ एक सेल्फी लेता हूँ। फिर ये बोलते हैं मेरे से कि आप बहुत बढ़िया फोटो खींचते हैं, एक मेरा फोटो खींच दीजिए। तो फिर मैं एक फोटो खींच देता हूँ, खचाक। वाओ क्या लड़का है, वेरी हैंडसम बॉय। फिर इन्हीं के साथ मैं प्लेटफॉर्म की तरफ जाता हूँ थोड़ा घूमने के लिए और आपको दिखाने के लिए। तो अभी हूँ मैं पुराने वाले ओवरब्रिज के ऊपर, अब मैं जा रहा हूँ नए वाले पर। तो इसे मिलाकर अब जहानाबाद रेलवे स्टेशन पर 2 ओवरब्रिज हो गए, जो कि काफ़ी खुशी की बात है। अब मैं निकलता हूँ अपने घर के लिए, जल्दी से वीडियो एडिटिंग भी करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बाय बाय, टेक केयर।